ले 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 बीच में जाओ ना कोल्ड ड्रिंक। सब बंजर ज़मीन है और ऐसे कचरे में मरल रहती है, ऐसी जगह आपको टारगेट करना होगा स्नेकेट के लिए। चलो खेलते हैं, आपको रिपोर्ट बताते हैं क्या होता है, देखिए। ये देखिए दोस्तों, स्नेकेट फिश टारगेट करना होगा। जब आप स्नेकेट फिशिंग के लिए जाते हैं, पहले उस जगह का पता कीजिए कि यहाँ स्नेकेट फिश है। जब आपको पता चले कि इस पानी में, नदी में, डैम में स्नेकेट फिश है, तो ऐसी जगह चुनिए जहाँ पे कचरा हो पानी के ऊपर, फ्रॉग लूर के लिए, स्पेशली फ्रॉग लूर के लिए। ऐसा घास हो पानी के ऊपर, जो घास रहता है, कचरा रहता है, स्नेकेट ऐसी जगह रहता है और ऐसी जगह आपको अटैक करेगा। ये देखो, फ्रॉग लूर को ऐसे ओपन वाटर में ना खेले, कभी भी पानी कम होगा तो चलेगा, पानी कम में ही स्नेकेट रहता है, लेकिन ऐसा कचरा होना ज़रूरी है। बेस्ट स्पॉट फॉर स्नेकेट फिशिंग है ये घास वाला जगह, ऐसा पानी के ऊपर कचरा हो। और अगर आप क्लियर वाटर में हैं, फ्लोइंग वाटर में हैं, क्लियर वाटर में हैं, जैसे कि ये वाटर, तो आपको स्पिनर लूर ट्राई करना चाहिए ओपन वाटर में, ना ही फ्रॉग लूर। ओपन वाटर, क्लीन वाटर में कभी भी स्पिनर लूर खेलिए। स्पिनर बहुत काम की चीज़ है, स्पिनर पर अटैक करता है स्नेकेट ओपन वाटर में, क्लीन वाटर में, जहाँ भी फ्लोइंग वाटर हो, रिवर हो, स्नेकेट के लिए, वॉल एगोल पटन फिश के लिए, मशीर के लिए, ओपन वाटर में स्पून मशीर के लिए, स्पिनर स्नेकेट के लिए, वॉल एगोल के लिए, मशीर के लिए भी स्पिनर काम आता है ओपन वाटर के लिए। और फ्रॉग लूर के आप खेलना चाहते हैं तो फ्रॉग लूर इसी जगह पे खेलिए। ये देखो, ऐसे कचरे वाला जगह जहाँ घास हो, पहले स्पॉट पे जाइए, अच्छी तरह से घूम के देखिए, जहाँ पर कहीं भी आपको कचरा दिखे, ऐसा कचरा हो, इस कचरे के ऊपर से आपका फ्रॉग लूर लेके आइए, साइड से, ऊपर से, स्नेकेट आपको ज़रूर अटैक करेगा। ऐसी जगह भी स्नेकेट रहता है। हमने आपको पिछले स्नेकेट वीडियो, फिशिंग वीडियो टिप्स में भी बताया है, उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ले 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 भैया बीच में जाओ ना कोल्ड ड्रिंक। अरे आया जूम है, ओके सॉलिड साइज। ये देखिए, आज का सेकंड क्या चाहिए, जैसे मैंने वीडियो में आपको बताया था, कचरे के ऊपर ही खेली है फ्रॉग। इसको लिप ग्रिपर, ये देखो, ऐसे होट में फंसाइए। फ्रॉग लूर कट हो गया, लिप ग्रिपर लगाते समय इतना खराब स्ट्राइक किया है। ये देखो अंदर है, गुड साइज कैमरा, फुल व्यू, फुल लेंस आ रहा है सामने से। रुक जा,
धूम नहीं रही, वो जबरदस्त फट दिया ये खातर पिंका लगा है साला। नहीं ना ले एक पकड़, मैं एक ही दिखाता हूँ। मच्छी करो भागे तो मैं घब घब खाक छुड़ाऊँ। ये देखो इधर देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ऐसा लेवल जगह पे रहेंगे तो लैंडिंग के लिए बहुत आसानी होगी। इतना बड़ा फिश भी आप आसानी से पीछे जाकर या फिर खींच कर निकाल सकते हैं। और लिप ग्रिपर होने का ये फ़ायदा है, आप फिश को ऐसे होल्ड कर सकते हैं, पकड़ने में आसानी होगी। फ्रॉग लोअर अंदर रह गया इसके, दिख रहा है आपको, नजर आ रहा है। घाव जबरदस्त मारी है, 2-3 सेकंड गैप रख के मारा है। ये देखो भाई स्नेकेट हंटर्स, ये देखो फ्रॉग लोअर, नजर आ रहा है आपको। ये देखिए बहुत अच्छी तरह हुक हुआ है, स्नेकेट भाई। फर्स्ट थोड़ा छोटा लगा था, ये बिग साइज है। कट कर, ये देखिए दोस्तों आज का सेकंड कैच, बिग कैच स्नेकेट। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे, कैचेस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नीचे का थोड़ा फिश, ये देखो फ्रॉग लोअर अंदर ही फंसा हुआ है। चलिए बस, ये मेरा आज का सेकंड कैच है। आज हमारे सुपेन भाई को 2 लग चुके हैं, ये बड़ा साइज है, आखिरी जाने के टाइम में बिग साइज हुआ है। बिग साइज, अभी टाइम बाकी, बहुत जबरदस्त 2 हो गए, अभी और टाइम बाकी है, सूरज ढलने रोशनी है। अब फिर ट्राई करते हैं, आपको फिर अपडेट करते रहेंगे और इसी तरह फिशिंग टिप्स भी देते रहेंगे। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल, और हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर्स का शुक्रिया। जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइक करें, बिना मत जाइएगा, वीडियो लाइक कीजिए। आपका कोई सजेशन है तो हमें बताइए, कमेंट में बताइए, आपकी राय हमारे साथ शेयर कीजिए। ये देखिए, ये देखो आज बाहर निकालने के बाद 2-3 झटका मार के स्नैप का हालत क्या कर दिया इसने, मछली ने। इसी स्नैप से 6 kg का स्नेकेट भी निकाला है, लेकिन ये मछली ने बहुत ख़तरनाक फेंट दिया है, तभी जाके ये स्नैप का ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हालत होकर दिया है। ये देखो फाइटर मॉन्स्टर स्नेकेट फिश, चलो दिखा रहा तो। हाँ ये देखो भाई कैसा घाव मारा है, हुक नजर ही नहीं आ रहा कहाँ गया। ये देखो दोस्तों बहुत खतरनाक घाव फंसा है, ये देखो बहुत खतरनाक घाव मारा था इसको, फ्रॉग पूरा डैमेज कर दिया है। चलो कैच, सेकंड कैच, बिग कैच, आज का ट्रिप सक्सेस हो गया है। ये देखो बिग साइज स्नेकेट, फर्स्ट थोड़ा छोटा लगा था, अब जो लगा ये बिग साइज है। ये देखो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंगलर उस्मान मुल्ला, एंगलर सुफियान। और ये हमारे दो भाई लोग हैं, ये भी हमारे साथ फिशिंग ट्रिप पे आए थे, पार्टी भी हो गया, फिशिंग ट्रिप भी हो गया। ये भी देखिए कि लाइव फिश हम कैसे कैच करते हैं, पहले तो वीडियो में देखते रहे, अब आंखों से लाइव देख लिया उन्होंने भी। बड़ा फिश है, बड़ा फिश है, सब्सक्राइब करो। एक काम करते थे,
ये देखिए आज के दो ये हमारे बिग कैच हैं। अब इसको कटिंग करने के लिए लाए हैं इधर। वाह जिंदी रहती तो ताजी है ना, पकड़ लाए शॉट मारो मैं फिर भी। Thank you.